हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल आई एम संभाजी चौधरी में, जहां हम लोग इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, जैसे आप और हम लोग जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, किसी शेयर्स को खरीदते हैं, किसी सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो पहले जैसे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि हमारे यहाँ पे टी प्लस टू ये एक रूल था। टी प्लस टू यानी कि ट्रेड प्लस टू डेज, यानी कि जब भी कोई हम लोग शेयर खरीदते थे या कोई भी शेयर हम लोग बेचते थे, तो उस ट्रांजेक्शन को इफेक्ट होने में टी प्लस टू यानी कि ट्रेड प्लस टू दिन लगते थे। यानी कि मान लीजिए मैं कोई SBI का, ICICI बैंक कोई शेयर खरीदता था, तो मुझे मेरे डीमैट अकाउंट में, यदि मैं शेयर खरीदता था तो मेरे डीमैट अकाउंट में उसको रिफ्लेक्ट होने के लिए, उसको डीमैट अकाउंट में दिखने के लिए टी प्लस टू का एक सेटलमेंट पीरियड होता था, वो लगता था। अभी इसी पीरियड को कम करके टी प्लस वन किया गया है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है यदि आप इंडियन स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे। यदि हम लोग ग्लोबली कंपेयर करेंगे इस रूल को, तो ग्लोबली सिर्फ चाइना एक ऐसी कंट्री की जिन्होंने टी प्लस वन जो सेटलमेंट पीरियड है वहाँ उसको अचीव करने की कोशिश की है। यदि हम लोग ग्लोबली अदर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे US, UK, उन लोगों ने भी ये रूल अभी तक अप्लाई नहीं किया था, या फिर वो इतना फास्ट जो एफिशिएंसी का टाइम पीरियड है उसको अचीव करने में वो फेल हो गए थे। तो हमारे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है हमारे लिए यदि हम लोग टी प्लस वन रूल को एक्चुअली इफेक्टिव होता देख रहे हैं। टी प्लस वन की यदि हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, तो जब निफ्टी जैसा इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आया था, सेंसेक्स जैसा इंस्ट्रूमेंट तो पहले से ही था, तो अब हमारे पास टी प्लस थ्री का एक एक सेटलमेंट पीरियड हुआ करता था। फिर उसको 2004 में लगभग उस पीरियड में टी प्लस टू पे लेके आए गए थे। फिर वही पीरियड जो टी प्लस टू का जो सेटलमेंट का जो रूल था वो चल रहा था, और अभी हम लोग टी प्लस वन पे आ चुके हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? मान लीजिए कोई आप शेयर खरीदते हो, तो आप वो शेयर को आप आपके डीमैट अकाउंट में टी प्लस वन यानी कि नेक्स्ट दूसरे दिन ही आप आपके डीमैट अकाउंट में देख पाओगे। ये तो एक पहला बेनिफिट होगा कि शेयर का एक्विजिशन जो है, यानी कि आप आपके पास जो शेयर आएगा वो बहुत जल्दी आ जाएगा, टी प्लस वन दिन में ही आ जाएगा। उसके बाद और बड़ी और एक अच्छी बात है कि यदि आप कोई शेयर बेचते हो, जो शेयर आपने खरीदा है, जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे आप शेयर बेचते हो, जो कोई भी शेयर आपने वो खरीदा है उसका भी जो पीरियड जो है, यानी कि आपने कोई शेयर बेचा है तो उसका जो इनकैशमेंट जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में भी टी प्लस वन में ही आ जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में बनी रहती है, यानी कि आपको कोई और कुछ उस पैसे से, यदि आपको विड्रॉल करना है और उसी पैसे से आपको कुछ और कुछ चीज़ें खरीदने हैं, शेयर्स खरीदने हैं, या फिर कुछ और भी ट्रांजेक्शन करने, तो उसका भी टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। रेमिटेंस जो है वो भी, रेमिटेंस टाइम जो है वो भी घट जाएगा। तो इससे ओवरऑल सिस्टम में जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगी, और एक बहुत बड़ा कदम है हमारे मार्केट के लिए। अभी हम लोग तो US, UK के से भी आगे निकल चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम है हमारे लिए। तो यही था टी प्लस वन के ऊपर का अपडेट, यानी कि ट्रेड प्लस वन दिन में ही आपके शेयर बाइंग और सेलिंग में सेटल हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।